ମୋତେ ମାମାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଉଥିଲି ସେ ମୋତେ ଖୁବ ବଢିଆ ବଢିଆ ଗପ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗପ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗପ କହି ଆସୁନି ନା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ନିଦ ବି ହଉ। ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ତମକୁ ଗପ ମୁଁ ଶୁଣେଇଦେବି ହେଲା। କୋଉ ଗପ ଶୁଣେଇବ? ସିଂହ ଗପ। ସିଂହ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ମତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଚନ୍ଦନ, ତମେ ଯାଇ ତମ ରୁମରେ ରେଷ୍ଟ କର, ଆୟୁଷକୁ ଆଜି ଗପ ମୁଁ ଶୁଣେଇଦେବି ହେଲା। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ତମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବ, ଜମା ବି ଗପ କୁହାଇ ଦବନି। ସେମିତି ଆଦୌ ହବନି, ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବି, ତମେ ଯାଇକି ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼। ହଁ, ମୁଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପାଖରୁ ଗପ ଶୁଣି ଶୁଣି ଶୋଇପଡ଼। ଠିକ ଅଛି, ଆସୁଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା ଆୟୁଷ, ତମେ ଆଜି ତାହେଲେ ସିଂହ ଗପ ଶୁଣିବ? ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ, ତମକୁ ଆଗେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁତକ କ୍ଷୀର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିବ ତ ସବୁ? ଗୁଡ୍ ବଏ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ମୁଁ ଦେଖ, ତମେ ତାହେଲେ ସିଂହ ଗପ ଶୁଣିବ, ଆସ ଶୋଇ ଜମ କଡ଼ରେ। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ସିଂହ ଥିଲା, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ସିଂହ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସିଂହଟା ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିଲା। ଆୟୁଷ ଉପରେ ରାଗିକି ମନେ ମନେ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆୟୁଷ ଦେହରେ ମୋ ହାତ ବାଜିଗଲା, କାଳେ ମୋ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସତ ମୋ ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ମନେ ମନେ ଯୋଉ କଥା ଭାବିଲି, ସେ କଥା ସତକୁ ସତ ମୋ ଉପରେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଗଲା? ଆଜିକାଲି ତ ମୋ ଆଖପାଖରେ ଏମିତି ଖାଲି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟି ଚାଲିଛି। ସେଦିନ ଶିବରାତ୍ରିରେ ମୋତେ ସାପ ଗୋଡ଼େଇବା ଆଉ ତୁଳସୀର କବର ପାଖରେ ମିହିର ବଡି ଯାଇକି ପଡ଼ିବା, ଖାଇବାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇଦେଲାରୁ ଖାଇବା କିଛି ବି ସରିଲାନି, ଆଉ ଏବେ ମୋ ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, କେମିତି ହେଇପାରେ? ଏସବୁ ଘଟଣା ଯେବେଠୁ ତୁଳସୀ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛି ସେବେଠୁ ହିଁ ମୋ ସହିତ ଘଟି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏସବୁର ମାନେ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଏ କଥା ସହିତ ତୁଳସୀର କିଛି ନା କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ କିଛି ବି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଶେଷ କଥା ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଏ ତୁଳସୀ ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ କେବଳ ମୋର ହିଁ କ୍ଷତି ହେଇଚାଲିଛି, ଆଉ ଏବେ ମୋତେ ଏସବୁର କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।
आयुष को से झील दायित्व छाड़ दे आसिले पिछारी ताकु निद्रे शुए परिबो कि नहीं कि जानी मते त लागू छि आयुष मते जेम तो हरण करतिला ठीक सेम ती इच्छा को कथा मन पके से झील को गप को आई दौन थो हरण कर निश्चय नहीं प्रकृत आयु शा कि ना से झी को मामा पाक जी मामा पाक जीव कह बहुत हैरान कर निजे जा देखी आसवाटा ठीक हाँ आयुष तुमको हैरान करद्रे गला हाँ तुमको हैरान करनी तो अरे ना नहीं आयुष मत हैरान कहीं कर बहुत भल पा सी तार जत्न नवा को बर मत बहुत भल लगुच बारंबार थैंक यू कह तुम्हें मत पर कहीं करदे मुझे तुमको कहली आयुष रत्न नापी मत भल लगुच नहींचुअली कथा हूँ इच्छा को जमी हर आयुष भी सेमती ता मामा को हर से दुनिया रे पूरा एकुटिया जाए विचारक स्नेह ममता दे आते कहपाई ए दुनिया तार कहीं भी ना थे से ता मामा को बस कह बस ता मुहर टे हस देखा ये सब मुझे आयुष जीवन ता मामार जगह तो मुझे भी नहीं पारि किंतु से सब खुशी जहाँ इच्छा आयुष को दबापे चाहूले हे तो मुझे सब खुशी दबापी चेष्टा कर मो जीवन लक्ष्य गोटे कथा पचार सत कह पचार तमें कौन सतरे इच्छा को ये भल पाऊल आज भी तमें तुमको बहुत भल पाच बहुत रात तुम्हें जाए शुपड़ मो प्रश्न उत्तर न दे यू चली गल सत कि तुम से लुह छल छल आखि दुईट को देख तुम मन कथा मु ठीक बुझी पार मु तुम भल पाइबा को सन्देह कर बहुत बड़ भूल कर चंदन प्लीज मत क्षमा कर दब तुमको खूब जोरे जाबुड़ी धरी कह तुमको बहुत भल पाए बहुत भल पाए कहपारती चंदन आज पर्यटन जहाँ को तुम इच्छा बोली भाव भल पाई आस
से तुम इच्छा नुहे बर तुम दोष कि तुम्हें कौन से भी महिला स्त्री को नुहे बर तुम तुम स्त्री तुलसी को आज पर्यंत भल पाई आस कि चंदन मो मुहर रूप बदले स्त्री परिचय दे तुम पाखर अलग करने लक्ष्य चेष्टा कला आम दीज को भल पाइब आम दीज को परस्पर पाख को पुणि थे टाणी नहीं आसला आता भी कहीपर कि मो हाथ लेखा चिट्ठी पढ़े मो आत्महत्या कर तुम जो विश्वास कर आत्महत्या कर जोर जबरदस्ती लीसा मो पाखर से चिट्ठी लेके नहीं अनेक कथा तुम पाखे अकुआ ही रही जाए चाहिए भी मुह को नहीं कही पार नहीं मु लीसा को जमारु क्षमा करी मुझे भयंकर शास्ति देवी मुझे भयंकर शास्ति देवी आयुष कांदिला पड़ी सुबुची कौन है चितार मामा मामा आयुष कौन है ना कौन भी कौन जो बाबा हाँ कौन है ना तुम्हारा कौन है ना बाबा कहीं कौन जो मामा 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 छाड़ के चले वाले आयुष बाबा तुम मामा तुमको छाड़ के कुआडे भी जाए ना मत देख मु तुम पाखे बस लाणी हाँ मत मुद लगे ठीक अच्छे मुमको गीत गायक शुणीदेवि तुमको निद लगे हैला तारा रे तू मो आखिर तारा तू
आज मो इच्छा थी आयुष को एमती थापुड़े दे कि तो बोली सुहाई दो था थैंक यू तुलसी तुम आयुष को निजर भाभी ताको सुहाई दल सतरे तुम्हें तुम नार यथार्थ को ठीक भाव पालन कर सतरे तुम्हें बहुत भल बहुत भल तुम अरे लिसा आज कौन एत सका सका उठी गलु बहु कल रात भल निद है देह तो खाली कुंडी है बो देह तो कम सब पड़ी जाइए लिसा इमती अवस्था तू तो आज होली खेली पारू तो तु तो ये जमा होली खेले कहीं आज बाजे रंग लगे तो देह पुणी कुंडी हम जहाँ भी हो जाओ पछे बो कि ए बर्ष होली मुश्चय खेल कहीं वर्ष चंदन सहित होली खेल मत कहीं भी डिस्टर्ब करे ना तुलसी ना से इच्छा एत सका सका तुलसी आयुष रूम को बाहर के आस ये तो बाहर अगण से शोवा कथा यार कौन बाहर के आस एत सका सका तु से आयुष रूम कौन करते हाँ ते कौन पचारा एक्चुअली कल रात आयुष रूम एक डरी जाइए तो ताको बुझे कि सोई दवा पई ता पाखरे के नथिले सेति पई काले रात्रि मु ता पाखरे सोई जाईतिले तो साहस केमति हला हम बिना अनुमति रे ए घरे आसी सोईबा पई तो ओका थौची तू घर बाहरे अगणा रे सोईबु हम काकु न जणे तू घर भीतर सोईतिलु का पई मौसा तुलसी को मना करते ना ए घरे न सोई बाहर अगड़ा शोवा किंतु ये साहस को देखु मौसा आपण कथा को बेखातरी करी आम समस्त को लुचिके ये काली ए घरे रात शोला आज तो भाग्य भल कि आयुष रूम रु बाहर आसान देखी दे तो आम मान लुचिक सबुदिन घर रो अनुमति नहीं तू घर भर शु धनंजय कौन हो मौसी आप नीरव रुहत मुझे पचार अनुमति नहीं तु घर शु कह अधिकार किए देखी मुझे बापा मो कह अनुसार तुलसी का रात आयुष रूम शो गोटे अजणा अच्छी ना झीह सहित आम कौन भी संपर्क नहीं सी आम घर भितर के शोपार तुलसी जगह हूँ घर बाहर अगणारे ना बाबा जगह अगणारे नहीं मर माम मान भम ए घरे
ଏ ଅଧିକାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି।